Dear students, your time is limited. Don't waste it. Living someone else's life, don't be trapped by dogma, which is living the results of the other people's thinking. Don't let the noise of others' opinion drown your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Thank you. Here is new video about atomic structure part 3. So please go through it and share your views. Don't forget to subscribe the channel. भाग दूसरा पॉइंट वामावर्त चक्रण के अनुरूप होता है। अब यहाँ पर अगली बात जो दर्शाई गई दी गई है वो है रिलेशन बिटवीन क्वांटम नंबर्स। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन एल इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन। जैसा बताया प्रत्येक n के लिए l का मान शून्य से प्रारंभ होकर n माइनस वन तक होता है। वास्तव में समरफील्ड ने किसी कोष में गोली उपकोषों के साथ साथ अंडाकार उपकोषों की भी कल्पना की थी। किसी गोली उपकोष की उत्केंद्रता शून्य होती है, अर्थात या आप कहें तो वृत्त के लिए वृत्त की उत्केंद्रता शून्य होती है। इसी प्रकार जो दीर्घवृत्तीय कक्षाएं या जो अंडाकार कक्षाएं थ्री डायमेंशनल कक्षाएं उनकी उत्केंद्रता के अनुसार द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान निर्धारित किए गए। इसीलिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान शून्य से प्रारंभ किया गया, क्योंकि प्रत्येक कक्षा का प्रथम उपकोष जो होता है वो गोल आकृति का होता है और गोल आकृति की उत्केंद्रता शून्य होती है। यहाँ पर यह जानने योग्य बात है कि उत्केंद्रता किसी उपकोष की उत्केंद्रता L अपॉन N से दी जाती है, जहां L द्विगंशी क्वांटम संख्या तथा N मुख्य क्वांटम संख्या है। जैसे N इज इक्वल टू 2 के लिए N इज इक्वल टू 2 के लिए L के दो मान हैं, अर्थात 0 और N माइनस 1 अर्थात 2 माइनस 1 अर्थात 1। सो L इज इक्वल टू 0 की जो उत्केंद्रता होगी वह 0 अपॉन 2 होगी, अर्थात उत्केंद्रता 0, इसलिए यह उपकोष गोल होगा। अगला उपकोष जो P है वह उपकोष की उस उपकोष की उत्केंद्रता L की वैल्यू 1 है और N की वैल्यू 2 है, तो उसकी उत्केंद्रता 1/2 होगी। और जब उत्केंद्रता 1 से कम हो, शून्य से अधिक हो, तो ऐसी आकृति दीर्घवृत्ति या डंबबेल आकृति होती है। तो इस कारण जो उपकोष के लिए जो संख्याएं निर्धारित की गईं वह 1 से प्रारंभ होकर के n तक नहीं दी गईं, बल्कि 0 से प्रारंभ होकर के एन माइनस वन तक दी गई, ताकि उत्केंद्रता के अनुसार उपकोषों को निर्धारित किया जा सके
क्योंकि सभी उपकोश गोल नहीं होते हैं। अधिकांश उपकोश मींस पहला उपकोश हमेशा गोल होता है, बाकी सभी उपकोश अंडाकार दीर्घवृत्ति रूप के होते हैं, अर्थात इलिप्सॉइड फॉर्म में होते हैं। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एल, यहाँ पर प्रत्येक एल के मान के लिए एम के जो मान होते हैं वो माइनस एल से प्रारंभ होकर शून्य सहित प्लस एल तक होते हैं, अर्थात एम के कुल मान 2L+1 होते हैं, और प्रत्येक एम के लिए एस के चक्रण क्वांटम संख्या के दो मान +1/2 और -1/2 होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि n=1 है तो उसमें केवल एक उपकोष होता है एस उपकोष। n=2 के लिए एल का मान 0 एवं 1 होगा, अर्थात उसमें केवल दो उपकोष होंगे एस और पी। n=3 के लिए उपकोषों की संख्या 0, 1, 2 अर्थात एस पी डी होती है। ठीक, पी उपकोष में एस उपकोष में प्रत्येक एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है, उसे एस कक्षक कहते हैं, उसकी आकृति गोल होती है। प्रत्येक पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, इन्हें PX, PY, PZ से निर्धारित किया जाता है। यह तीनों कक्षक डम्बेल शेप के होते हैं, डम्बेल शेप के होते हैं अर्थात डमरू की आकृति के होते हैं। यह डमरू की आकृति वास्तव में एलिप्टिकल आकृति है। इसी प्रकार से जो डी उपकोष है, डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, इन्हें DXY, DXZ, DYZ, DZ2, DX2 -Y2 से प्रकट किया जाता है। तो यह इन कक्षकों के प्रतीकों के आधार पर इनकी आकृति भी पहचानी जाती है। यहाँ पर समरी के तौर पर यह दर्शाया जा रहा है कि क्वांटम संख्याएं वास्तव में जिस प्रकार से किसी क्षेत्र विशेष का एरिया पिन कोड होता है, उसी प्रकार से ये संख्याएं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए पिन कोड होती हैं, जो यह बताती हैं कि वह इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, किस उपकोश में है और किस कक्षक में है और उसका चक्रण किस दिशा में है। तो ये बात यहाँ पर क्वांटम संख्याओं से ज्ञात होती है। एक एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है, राइट डाउन ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसके परमाणु को 8O16 से प्रकट किया जा रहा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p4 से प्रकट हो रहा है। तो यहाँ ज्ञात हो रहा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p4 में है, अर्थात p उपकोष में है। तो यहाँ n की वैल्यू 2 और p उपकोष के लिए L=1, एम की वैल्यू यहाँ पर जैसा जानते हैं PX, PY, PZ, PX के लिए एम का मान +1 होता है, PY के लिए यहाँ पर एम का मान 0 और PZ के लिए एम की वैल्यू -1, सो यहाँ M=-1 दिया गया, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा है वो PX में आएगा, तो -1 से 0, -1, 0, 1 होता है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन PX उप कक्षक में आएगा, इसलिए M की वैल्यू -1 और यह इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा, अर्थात इसमें पहले से एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, तो इसलिए यह दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इस कारण इसका चक्रण क्वांटम संख्या -1/2 होगी। अगला एग्जाम्पल यहाँ दिखाया जा रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई बाई क्वांटम नंबर्स n एंड l।
एन इक्वल टू 4 दिया है, एल इक्वल टू 1 दिया है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में एन 4 एल इज इक्वल टू 1 मीन्स ये 4p उपकोष है, अर्थात चौथी कक्षा और पी उपकोष का इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से अन्य जो है क्वेश्चंस को भी दिखाया जा सकता है कि कौन किस उपकोष में है। एन इज इक्वल टू 4 एल इज इक्वल टू 0 दिया है तो यह 4s है, एन इक्वल टू 3 एल इक्वल टू 1 तो यह 3p है, और एन इक्वल टू 3 एल इक्वल टू 2 मीन्स यह 3d में। तो अगला पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक के चारों ओर विभिन्न उपकोषों में भरे जाने का क्रम क्या है। तो यह क्रम एक नियम से निर्धारित किया गया है जिसे ऑफ वाउ नियम कहते हैं। ऑफ वाउ एक इटालियन या ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड, अर्थात टू बिल्ड का मतलब बनाना। तो ऑफ वाउ प्रिंसिपल के अनुसार विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, इसे एन प्लस एल रूल भी कहते हैं। एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल यहाँ पुनः दिया जा रहा है। अ कंपाउंड ऑफ वेनेडियम हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 बोर मैग्नेटॉन, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम इन द कंपाउंड। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट से तात्पर्य है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन एज अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 विच इज गिवन इक्वल टू 1.73। सो ऑन सॉल्विंग इट एन इज इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ वेनेडियम 23, इट इज 3d3 4s2 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। द कंपाउंड कंटेन्स ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ वेनेडियम विल बी 3d1 एंड 4s0। सो वी इज प्रेजेंट एज v4+। नाउ ऑफ वाउ प्रिंसिपल, इन ऑफ वाउ प्रिंसिपल इट इज एन प्लस एल रूल, एंड एन प्लस एल एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सबसेल। किसी उपकोष की कुल ऊर्जा को एन प्लस एल से दिया जाता है, जहां एन मुख्य क्वांटम संख्या तथा एल द्विगंशी क्वांटम संख्या है। इस नियम के अनुसार सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा का उपकोष 1s उपकोष है। उपकोषों को उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरा जाता है। दूसरे क्रम में 2s आता है और तीसरे क्रम में 2p और तत्पश्चात 3s, फिर 3p, फिर 4s, इसके बाद 3d उपकोष को भरा जाता है। यहाँ पर यह जानने योग बात है कि 4s कक्षक, 4s उपकोष की ऊर्जा 4 प्लस 0 है, अर्थात 4 है, जबकि 3d उपकोष की ऊर्जा 3 प्लस d की वैल्यू 2, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 है। तो यहाँ 4s उपकोष की ऊर्जा कम होने के कारण उसे 3d उपकोष से पहले भरा जाता है। यही कारण है कि समरफील्ड ने अंतर्भेदी कक्षाओं की संकल्पना दी थी। इस संकल्पना के अनुसार यह तथ्य सामने आता है कि कभी कभी कोई एक उपकोष, ठीक, उससे निचले उपकोष, कोई ऊंची कक्षा का उपकोष किसी निचली कक्षा के उपकोष में धसा हो सकता है, जैसा यहाँ 4s और 3d के लिए
देखा जा रहा है तो यह अंतर्वेधी कक्षाओं या उपकोषों की संकल्पना थी। 3D के उपरांत 4P को भरा जाता है और 4P के पश्चात 5S को। यहाँ पर यह बात जानने योग्य है कि यदि दो उपकोषों के लिए n+l के मान बराबर हो जाएं, तो उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाएंगे जिसके लिए n का मान कम हो, अर्थात जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम हो यदि n+l के मान बराबर हैं तब। तो इसी कारण 3D उपकोष को 3D उपकोष से पहले 4S को भरा गया, क्यों? यहाँ तो बात स्पष्ट थी कि 3D के लिए n+l का मान अधिक है, इसलिए 3D को बाद में भरा गया, 4S को पहले भरा गया। 3D के बाद 4P को और फिर 5S को भरा गया। इसके बाद 4D और 5S और 4D को देखा जाए तो 5S में n+l 5+0 5 है, जबकि 4D में 4+D के लिए ये 2, तो 4+2 6 है, तो 6 का मान अधिक है इसलिए 5S के बाद n+l की वैल्यू अधिक होने के कारण 5S के बाद 4D को भरा जा रहा है। इसके बाद 5P, फिर 6S, फिर 4F, फिर 5D, फिर 6P, फिर 7S, तत्पश्चात 5F, फिर 6D और 7P को। तो इस पैटर्न को इस डायग्राम से याद रखा जा सकता है। अफबाऊ सिद्धांत पर आधारित यहाँ पर ये एग्जाम्पल है। कंसीडर 3D एंड 4S ऑर्बिटल। द इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट एंटर इन द ऑर्बिटल और इन द सबसेल हैविंग मिनिमम वैल्यू ऑफ n+l। सो इलेक्ट्रॉन विल देयरफॉर एंटर इन 4S ऑर्बिटल, क्योंकि 4S ऑर्बिटल या 4S उपकोष के लिए 4+0 इक्वल टू 4 हो रहा है n+l की वैल्यू, जबकि 3D ऑर्बिटल के लिए या 3D उपकोष के लिए इसका मान 3+d के लिए 2 इक्वल टू 5 हो रहा है। अबाउ प्रिंसिपल पर, इन केस n+l वैल्यूज आर सेम, इन केस ऑफ 3D ऑर्बिटल 3+2 इक्वल टू 5 एंड 4p ऑर्बिटल 4+1 इज इक्वल टू 5, बोथ हैव n+l वैल्यूज सेम। सो हियर वी फाइंड दैट इन 3D केस ए वैल्यू ऑफ n इज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू 4p, देयरफॉर इन 3D ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी फिल्ड फर्स्ट। इन सच ए केस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इज मिनिमम, द इलेक्ट्रॉन विल दस एंटर 3D ऑर्बिटल बिफोर एंटरिंग 4p ऑर्बिटल। नेक्स्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगली बात पॉली का अपवर्जन नियम है। अपवर्जन से तात्पर्य है कि ऐसी दो परिघटनाएं, ऐसी घटनाएं जो कभी एक साथ नहीं हो सकती हैं, वो एक्सक्लूसिव घटनाएं कहलाती हैं। और यहाँ पर यह नियम दिया गया है, पॉली का अपवर्जन नियम। अपवर्जन से तात्पर्य है कि किसी परमाणु में, ठीक, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स ले लीजिए, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की सभी चारों क्वांटम संख्याओं का समुच्चय एक नहीं हो सकता है, अर्थात उन इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। अधिकतम 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती हैं यदि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक के हैं। एक ही कक्षक से तात्पर्य है कि वह एक ही सेल में है, एक ही उपकोष में है
और एक ही कक्षक में, किसी कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ऐसी दशा में उनके लिए एन एल व एम के मान समान होंगे, किंतु अवश्य ही एस के मान भिन्न होंगे, क्योंकि एक ही कक्षक में दो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं जिनके चक्रण एक ही दिशा में होंगे, एक ही दिशा में हों, क्योंकि यदि उनके चक्रण एक ही दिशा में होंगे तो वह एक अस्थायी स्थिति होगी। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही चक्रण के किसी कक्षक में नहीं हो सकते हैं, इसलिए चौथी क्वांटम संख्या S अवश्य ही भिन्न होगी। एक के लिए यह संख्या +1/2 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यह संख्या -1/2 होगी। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ 1s2 देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इन द 1s ऑर्बिटल, द क्वांटम नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स आर n=1, l=0, m=0, s=+1/2। एंड फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन n=1, l=0, m=0, बट s=-1/2। सो यहाँ देखिए, अधिकतम तीन क्वांटम संख्याएं समान हो सकती हैं, किंतु चौथी क्वांटम संख्या अवश्य ही भिन्न होगी। सो अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। और अब पहुंचते हैं हुंड्स अधिकतम बहुलता नियम, ठीक, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का अधिकतम बहुलता नियम। इस नियम के अनुसार किसी कक्षक में या किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन्स को भरते समय ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि जो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हों उनकी संख्या अधिक से अधिक रहे, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता रखनी होती है। दूसरे शब्दों में, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन्स को भरते समय उनका युग्मन, कक्षकों में उनका युग्मन तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। और यह जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह सभी, उनके सभी के चक्रण एक ही दिशा के होते हैं। ऐसे कक्षक जिनमें सभी की ऊर्जाएं बराबर होती हैं उन्हें डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, अर्थात अपभ्रंश कक्षक कहते हैं। ये अपभ्रंश कक्षक नाभिक के चारों ओर इस प्रकार अभिविन्यसित रहते हैं कि इनके बीच समान प्रतिकर्षण होता है और इन सब की ऊर्जाएं समान होती हैं। सो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वाइल फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबसेल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट स्टार्ट अंटिल ईच ऑर्बिटल हैव वन इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज नोन एज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ नाइट्रोजन परमाणु लिया गया जिसका परमाणु क्रमांक 7 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 1s2, पहला उपकोष 1s उपकोष हुआ जिसके s कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन धरे रखे गए। इसी प्रकार से दूसरी कक्षा प्रारंभ हुई और उसमें 2s उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन।
अब अगला उपकोष 2p उपकोष है और आपके पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, px, py, pz। तो पहला इलेक्ट्रॉन px में जाएगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन px में नहीं रख सकते, अन्यथा इलेक्ट्रॉन का युग्मन शुरू प्रारंभ हो जाएगा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन py कक्षक में रखा जाएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन pz में रखा जाएगा। इस प्रकार से इसे डायग्राम से दर्शाया गया है। तो पी उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन रखा गया, जिनके या तो आप चक्रण क्लॉकवाइज दिखा सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिखा सकते कि एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त हो, और जैसे px में दक्षिणावर्त हो, py में वामावर्त हो, pz में दक्षिणावर्त हो, क्योंकि इस स्थिति की ऊर्जा अधिक हो जाएगी और कोई भी जो कक्षक होगा वह उस अवस्था में रहना चाहता है, अर्थात उसकी वह अवस्था स्थायी अवस्था होती है जिसमें उसकी ऊर्जा सबसे कम हो। सो इस कारण जब कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण एक ही दिशा में होते हैं, तब वे मिनिमम एनर्जी अवस्था में होते हैं और वह उनकी अधिकतम स्थायी अवस्था होती है। अब यहाँ पर अगर नाइट्रोजन परमाणु से अगला परमाणु ऑक्सीजन परमाणु लिया जाता, जिसकी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगला इलेक्ट्रॉन 7 के बाद जो आता है उससे वह युग्मन प्रारंभ कर देता और px में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते। इस संदर्भ में आगे बढ़ते हुए अगला हेडिंग है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या विशेष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या जो आफवाउ नियम के या हुंड के नियम के अपवाद हैं, वो उन अपवादों को हमको पढ़ना है। सो ऑर्बिटल्स इन द सेम सबसेल, इस हेड के अंदर सेल टेंड टू बिकम कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सिंस सच ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो इन अपवादों की हम व्याख्या कर सकते हैं कि जब किसी उपकोष जब कोई उपकोष आधा या पूरा भरने को होता है तो उसमें अतिरिक्त स्थायित्व की प्राप्ति के लिए वह जल्दी से अपने उपकोष को अपने कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन या उनका युग्मन पूर्ण करना चाहता है। मत इस तात्पर्य है कि हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड सबसेल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, सो इन ऑर्डर टू एक्वायर दिस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी द हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और ऑफ वाउ रूल इज वायलेटेड इन दीज टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सच एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम। ठीक, इट इज गिवेन एज द आर्गन एटम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉलोड बाई 3d4 एंड 4s2 दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू आफबाउ प्रिंसिपल। ठीक, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, बट एक्चुअली इट इज आर्गन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉलोड बाई द इलेक्ट्रॉनिक फॉलोड बाई 3d5 एंड 4s1। सो हियर वन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 4s ऑर्बिटल टू 3d4 एंड सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन 4s ऑर्बिटल इज 1 एंड 3d ऑर्बिटल गेट्स एडेड बाय 1, सो इट हैज 3d5 मींस 5 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज
फाइव इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल विल हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बिकॉज कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल दैट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट एंड फाइव इलेक्ट्रॉन्स इज जस्ट हाफ ऑफ 10, सो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विल हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी।